जी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और भाई साहब, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, कल इसकी हमें बहुत ज्यादा सजेशन मिली है कि वीडियो आप जरूर देखेंगे, और ये वीडियो क्या है बताएंगे मौज़ा। टाइटल है बॉलीवुड इज फिनिश्ड, हाउ फिल्म्स लाइक KGF RRR आर डिस्ट्रॉइंग बॉलीवुड्स मोनोपोली अभी एंड न्यू। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो के वीडियो में क्या डिस्कस किया गया है। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा, पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बॉलीवुड ने पहले साउथ की फिल्मों को और उनके हीरोज को रिजेक्ट किया, फिर कैसे उन्हें कॉपी किया, और फिर कैसे उन्हें नेशनल सुपर स्टार्स बनते हुए देखा। समझते हैं अबाउट द फॉल ऑफ बॉलीवुड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक एक्चुअल जगह है जहाँ काफी सारे फिल्म स्टूडियोज है, वैसे मुंबई में कहाँ है। इनफैक्ट धीरे धीरे मुंबई की लोकल इंडस्ट्री भी मुंबई से बाहर शिफ्ट हो रही है। बॉलीवुड कोई जगह नहीं, बॉलीवुड एक स्टेटस को है। बट इफ दैट्स ट्रू, मुंबई फिल्म कैपिटल कैसे बना? पावर की वजह से। जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ करता था, तब मुंबई में सबसे रिलायबल पावर हुआ करती थी। बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन थी, इसलिए शुरुआती समय में फिल्में बॉम्बे और कलकत्ता में बनने लगी। लेकिन आज ये इलेक्ट्रिसिटी की पावर और फिल्मों की पावर भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही। पेंडेमिक से पहले भारत में हर साल 2000 फिल्में बनती थी। सिर्फ 20 साल पहले उनमें से आधी यानी 1000 फिल्में हिंदी में हुआ करती थी। रीजन सिंपल था, जिन फिल्म प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर थी, उन्होंने सोचा कि हिंदी के इस्तेमाल से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा लोग यानी ज्यादा शोज, और ज्यादा शोज यानी ज्यादा पैसा। एक्टर्स कैसे होने चाहिए? गोरे, जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। स्टोरीज कैसे होनी चाहिए? ऐसी जो बड़े बड़े शहरों में होती हो। जो भी एक्टर, जो भी स्टोरी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होती थी, उसे रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पुराना होने ही वाला था। ऑडियंस सेम वही घिसी पिटी कहानियां सुनकर बोर हो रहा था। साल 2000 आने तक रिजेक्शन की ये कहानी इमिटेशन में बदल गई थी। साउथ की मूवीज का रीमेक हिंदी में बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में रिस्क बहुत कम था, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कहानियां कॉपी करनी थी। जिन स्टोरीज को ऑलरेडी ऑडियंस ने पसंद किया था, जो स्टोरीज ऑलरेडी हिट थी, उन्हीं को कॉपी करके फिल्म्स बनानी थी। कई पॉपुलर हिंदी मूवीज जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो एक्चुअली हिट रीजनल मूवीज की रीमेक्स थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट हुए, बट अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स अलग होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। सायरा आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्म है, जिसे हिंदी में बनाने के बाद उसे लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपैरिजन ओरिजिनल से होना ऑब्वियस था। सैराट काफी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस मूवी ने कुछ ऐसा प्रूव किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नया डायरेक्टर, नई कास्ट और एक डिफरेंट लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस मूवी के मराठी गाने को सुपर हिट भी किया। सैराट जो सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी, उसने 110 करोड़ कमाया। इस कहानी में हम भारत की सबसे बड़ी फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? बाहुबली, जिसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रेक किए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज ब्रेक की, और वो था लैंग्वेज बैरियर। डिड यू नो बाहुबली इन टोटल 10 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी शामिल है। बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ और द कंक्लूजन ने 1800 करोड़ कमाए हैं। बाहुबली वॉज एन इंस्टेंट हिट, क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज हमेशा से ही टेक्निकली सुपीरियर रही है। साउथ की इंडस्ट्री अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर, कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबको एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। 2017 में बाहुबली के साथ पहली बार एक तेलुगु फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी, और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2018 में 2.0, 2021 में पुष्पा, और इस साल RRR ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के टॉप पर। आई फील द स्टोरी इज अ मोर इनोवेटिव स्लाइस ऑफ लाइफ एंड मोर रियल। कंटेंट इज किंग, रेज योर हैंड अगर पिछले 2 सालों में आपने एटलीस्ट एक ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। हम के ड्रामास भी देखते हैं, एनिमे भी देखते हैं, और मलयालम फिल्म्स भी एंजॉय करते हैं। आज की जनरेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा है। इन टूडेज वर्ल्ड लैंग्वेज इज नो लॉन्गर अ बैरियर, इट इज अ ब्रिज। जहाँ 44% बॉक्स ऑफिस हिंदी मूवीज रूल करती थी, वो नंबर आज घट के सिर्फ 27% हो चुका। साउथ की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होती है जिन्हें थिएटर में जाकर देखने का एक अलग ही मजा होता है। 2020 में पैरासाइट नाम की कोरियन मूवी ने जब ऑस्कर जीता, तब उसके डायरेक्टर ने एक इम्पोर्टेंट लाइन कही।
कि जब हम सबटाइटल्स का एक इंच का बैरियर पार करते हैं तब और अमेजिंग फिल्म्स और अमेजिंग कंटेंट हम देख सकते हैं। आज भारत में जो हो रहा है उसके लिए ये लाइन काफी रेलेवेंट है। रीजनल सिनेमा बड़ी तेजी से नेशनल सिनेमा बन। सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, सिनेमा इज अ मिरर टू द सोसाइटी, और जरूरी नहीं कि ये मिरर समाज के सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। जिस सिनेमा को पहले बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया फिर कॉपी किया, उसी सिनेमा को ओवरटेक करते हुए बॉलीवुड आज देख रहा है। ये चेंज इनएविटेबल है और जरूरी भी। व्हेन आई से बॉलीवुड इज ओवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता दैट हिंदी फिल्म्स आर ओवर, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला जिसे हम सब तंग आ चुके हैं इज फिनिश्ड। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, क्योंकि हर टाइप की स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो नो डाउट एक बहुत लंबे अरसे से हमें जो है एंटरटेन करती आ रही है। अभी से नहीं, अगर प्री पार्टीशन की बात करें तो तब से जो है हमें एंटरटेन करती आ रही है। लेकिन इस चीज़ में भी कोई शक नहीं कि अगर हम एक खास वक्त की बात करें ना, बॉलीवुड से बहुत अच्छी स्टोरीज, बहुत अच्छे अच्छे नाम सामने आए हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से नो डाउट आपको वही स्टोरीज मिल रही हैं जो आपने, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एक लग्जरी वाली लाइफ दिखाई जा रही है। मुझे बॉलीवुड में जो अभी के समय में, मतलब कुछ अरसे से अगर मैं बात करूं, जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, एक तो बहुत ज्यादा ग्लैमर होता है, जो मुझे लगता है कि आम सोसाइटी में हमारे जैसे जो लोग हैं मे बी उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। और साउथ इंडियन मूवीज में हमेशा ये देखने को मिलता है कि उनकी जो रूट्स हैं और जो उनकी सोसाइटी है, जो उनका कल्चर है, उससे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड आपको पर्दे पर दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पर उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो और आपको मजा आता है वो मूवी देखने का। बाकी मैं ये जरूर मानती हूँ कि बॉलीवुड में अभी का जो एक हम कहेंगे कि एक डाउनफॉल आया है, वो चाहे एक तरह का जो उनका क्राइटेरिया रहा होगा, या मे बी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम एक आम आदमी को नहीं पता होता, स्पेशली जो आउटसाइडर हैं जो कि उस कंट्री में नहीं रह रहे होते, उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि चीजों के कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। बट आई थिंक हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आप एक टाइम पर बहुत ज्यादा आप देखें कि एक पोजीशन देख रहे हैं, एक लाइमलाइट में है और अब एक अच्छा टाइम चल रहा है, तो हाँ कुछ इस तरह की भी चीजें होती हैं बीच में जिसकी वजह से आपको डाउनफॉल भी आता है। लेकिन आई थिंक जो बॉलीवुड है उसने शायद इस चीज को रियलाइज नहीं किया था उस टाइम पर कि जो लोग हैं वो साउथ की मूवीज जो कि आपको एक आम आदमी की कहानी भी नजर आती है, जो सोशल इश्यूज भी आपको नजर आते हैं, उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो आई थिंक जो इन्फ्लुएंस है ना बॉलीवुड में, वो हमें ज्यादा वेस्ट का दिखता है रादर देन कि आप अपनी सोसाइटी का दिखाते हैं। कुछ ऐसी मूवीज हम लोगों को जरूर देखने को मिली थी जो कि सोशल इश्यूज पर थी और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया था। इवन कि जो पैंडेमिक में भी अगर हम बात करें तो लोग बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ इसीलिए भी गए थे और लोगों को पसंद भी आती थी क्योंकि एक तो बहुत ही इलैबोरेटिव वे में उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता था और जो कोर प्रॉब्लम्स थी आपकी सोसाइटी की वो दिखाई जाती थी। यार मैं बॉलीवुड की बात करूँ ना तो मैं बॉलीवुड में जो है ना एक चीज जो मैं खास तौर पर एक बड़े लंबे अरसे से नोट कर रहा हूँ कि वही जो है ना जो हम अपने बचपन में एक्टर्स देखते थे, हमें ज़्यादातर वही जो है लाइमलाइट में या अगर कह लें कि बहुत बड़े बजट्स की मूवीज़ होती हैं तो वही हमें नज़र आते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि आपको जो है नए नए एक्ट्रेस को जो है वो मौका देना चाहिए जिन्हें जो है किसी ना किसी तरह पीछे जो है धकेल दिया जाता है। इवन कि मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँगा कि एक टाइम वो आया था कि आपको साउथ से बहुत ज़्यादा एक्टर्स जो है वो ऐसे देखने को मिले थे, मेल और फीमेल दोनों, जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपना जो है डेब्यू किया लेकिन वो उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उस तरह उनकी फिल्में नहीं चल पाई जिस तरह उनकी जो है साउथ में जो है एक फिल्में जो है वो हिट होती थी। मैं अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जैसे मांदी ने जिक्र किया, तो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिन्हें आप जानते नहीं थे या जिन्होंने जो है बॉलीवुड की मूवीज़ में छोटे छोटे रोल्स किए होते थे लेकिन प्रोमिनेंट नहीं थे होते, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। आपको पता चला कि भाई उनकी एक्टिंग स्किल्स क्या है, क्योंकि मैं बॉलीवुड की अगर 2000 से पहले की बात करूं ना तो मुझे एक उसमें चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि छोटे से छोटा रोल भी किसी का होता था ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता था, यानी कि जो मेन लीड में हीरो हीरोइन होते थे ना उनके साथ बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे। लेकिन जो है फिर एक टाइम ऐसा आना शुरू हो गया सिर्फ हीरो और हीरोइन इन्हें जो है प्रोमिनेंट करना शुरू कर दिया गया, बाकी जो है ना वो एक्टर्स को जो है वो साइड पर करना शुरू कर दिया गया, इतना ज़्यादा यानी कि उनके रोल को प्रेस कर दिया गया कि वो जो है ना इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुए। मुझे एक
एक और भी जो मैं कहूंगी कि बॉलीवुड की मैं कहूंगी एक कमी, अगर आप कह रहे हैं कि साउथ को जिस लिहाज से एज मिला और वो ये कि लैंग्वेज बैरियर खत्म किया साउथ ने, अगर बॉलीवुड ये लैंग्वेज बैरियर पहले खत्म कर चुका होगा तो शायद जो बॉलीवुड है वो आज हमको और ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर आता। जो साउथ, जैसे कि बाहुबली का हम लोगों ने सुना कि डिफरेंट 10 लैंग्वेज में वो रिलीज हुई बिल्कुल चाइनीज में, तो मैंने सॉरी उसका डब सुना हुआ थोड़ा ना। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नई चीजें लेकर आते हो और ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज जाता है तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस और आपकी व्यूअरशिप जो है बढ़ती है। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा एक्टर है, चाहे वो बॉलीवुड का है चाहे वो साउथ का है, हम लोगों को उसके काम की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफा बीच में नेपोटिज्म जो है ना, इस चीज को भी डिस्कस किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइक जो बैकग्राउंड है वो किसी फिल्म इंडस्ट्री से है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नो डाउट मैं भी ये बात मानूंगी कि आपको अपॉर्चुनिटी एक आम आदमी से ज्यादा इजी मिल सकती है, क्योंकि आपके बड़ों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उस वजह से आपको हो सकता है कि एंट्री आसान हो जाए। लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल होना वो मुझे लगता है कि आपकी काम पर डिपेंड करता है कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, लोग कितना पसंद करते हैं। अगर कोई अच्छा एक्टर है, मतलब वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि जो कि एक्टिंग करती आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो अच्छा एक्टर है तो उसको सिर्फ इस बेस पर हम लोगों को पीछे कर देना चाहिए कि भाई ये एक्टिंग, क्योंकि ये किसी एक्टर का बेटा है या बेटी है तो हम लोगों को इसको सपोर्ट नहीं करना। मुझे लगता है आपको उसको भी उतना ही मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखती हूँ जो कि बड़े बड़े एक्टर्स के मतलब बच्चे हैं लेकिन अभी तक उनको उनका कोई करियर नहीं बना एक्टिंग में, और उसकी रीजन क्या, लोगों को उनका एक्टिंग स्टाइल पसंद नहीं आया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आकर हम लोगों को चीजें जो है वो सोचनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज बॉलीवुड में ऐसे हैं जो कि जनरेशन से, यानी कि उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन है जो कि बॉलीवुड में जो है एक्टिंग करती आ रही है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है यही बात आ जाती है कि नेपोटिज्म जो है वो बहुत ज्यादा, नो डाउट के क्या नाम लेते हैं, ये खाली मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, ये अब जितने भी फील्ड्स उठाकर देख ले उनमें ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ भाई अगर उसमें भी कोई अच्छा काम कर रहा है ना, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं एक्टर्स हैं जो कि नेपोटिज्म के थ्रू आते हैं लेकिन उनका वाकई काम जो है काबिले तारीफ है। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिनका काम अच्छा नहीं होता और पब्लिक जो है उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ऑन द अदर साइड मैं अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करूँ तो नो डाउट साउथ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवीज बनती हैं। इवन के जैसे मैंने बात की ना कैरेक्टर्स की, हर कैरेक्टर को वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाता है, उसको जो है एक इम्पोर्टेंस दी जाती है उस कैरेक्टर को। अगर साउथ के इंडस्ट्री की भी एक मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा हमारे सामने प्रोमिनेंट होने की, तो नो डाउट लैंग्वेज बैरियर जो उन्होंने ख़त्म किया वो आप कंसिडर कर सकते हैं। हिंदी सिनेमा की बात करूँ तो हिंदी सिनेमा पर भी एक राज करने की वजह यह है क्योंकि हम जैसे लोग जिन्हें तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, वो हिंदी डब में उसे देखते हैं। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो नो डाउट उन्होंने एक लैंग्वेज बैरियर खत्म करके जो है ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा कंटेंट लोगों को दिया है। बिल्कुल, और कंटेंट जैसे बोला कंटेंट इज किंग, तो मैं भी इस चीज को मानती हूँ। और कहते हैं ना कि बिजनेस में जो रिस्क ले लेता है ना वो कामयाब हो जाता है, या तो रिस्क लेकर आप बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं या फिर आप डूब जाते हैं। बिल्कुल। तो साउथ ने इसमें इनिशिएटिव पहले लिया, उसने लैंग्वेज बैरियर खत्म किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी, हालांकि काफी देर से आपकी हुई। हाँ, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगी बाहुबली वाकई में एक ऐसी मूवी थी ना जिसने लोगों को मुझे लगता है कि इकट्ठा कर दिया, वो एक ऐसी स्टोरी थी, आपको इतना देखने का मजा आया। और ऑन द अदर साइड मुझे बॉलीवुड के सिर्फ यही ड्रॉबैक सबसे ज्यादा नजर आता है कि उसने इनिशिएटिव्स नहीं लिए, वो इस तरह सिर्फ अपने आप में शायद रहा कि नहीं हम लोगों पे डाउनफॉल नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राइज आपकी लाइफ में आना और डाउनफॉल सेम चीजें मतलब आती रहती हैं, कभी भी चीजें कॉन्स्टेंट तो आपकी लाइफ में रहती नहीं है। तो हाँ आपको केयरफुल जरूर होना चाहिए। इवन के बहुत सारे हम लोग प्रोड्यूसर्स को देखते हैं बॉलीवुड के जो कि अब साउथ की मूवीज में प्रोड्यूस वो प्रोड्यूसर्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि माहौल जो है वो किस साइड पर जा रहा है। बाकी आपका क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी चीजें हैं
जिनकी वजह से जो साउथ है उसको एक एज मिला, या फिर बॉलीवुड के क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, या बॉलीवुड ने क्या ऐसी गलतियां की हैं जिनकी वजह से जो कि साउथ की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई, ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज़्यादा हमारे वीडियो सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।